ये करुणा है चाइना का करिश्मा, और इसे बनाया है उसने जो फैला रहा है इस दुनिया में नए अजीबो गरीब वायरस। ये है काल, वायरस से पूरी दुनिया पर जीत हासिल करने की सोच रखने वाला एक राज। काल का एक्सपेरिमेंट कामयाब है, अब मैं इस वायरस को दुनिया के हर कोने में फैलाकर शुरू करूंगा इंसानों का खात्मा। डर का बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस, लेकिन अब हमें मिलियंस नहीं बिलियंस में अर्न करना है, तो अब हमें अपने वायरस के लिए एक ऐसी कंट्री चाहिए जहां करोड़ों की आबादी हो। इंडिया, भारत में लॉकडाउन करवा के ठीक किया ना मोटा भाई? हाँ ठीक ही किया। रुके 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 मोदी जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे इस लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों को खाना खिलाया जा सकता है। कितना है? यही कुछ 225 रुपए। इतने में क्या होगा? कुछ नहीं तो मूंगफली तो आ ही जाएगी। एक और क्या बता रही है, हंटा वायरस आ रहा है। कौन? यस करुणा। काल, मुंबई का रंग बहुत जल्द बदल जाएगा। ओह पीटर, तुम आ गए। आओ मेरे बच्चे, कैसा था आज का लॉकडाउन? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे कुछ खाओगे नहीं? नहीं, मैं खाकर आया हूँ, सब ठीक है। कहीं से कोरोना तो नहीं हो गया? आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। अपने घरों में रहिए। वो संक्रमित है शुरुआत में, इसका पता ही नहीं चलता। आप देख रहे हैं हर तरफ डर और घबराहट का माहौल है। ऐसी या इससे बदतर सिचुएशन हर अस्पताल की। बेहद तेजी से फैलने वाले इस वायरस की वजह से अनगिनत लोगों की हालत गंभीर है। 117 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्वामी जी प्लीज, WHO से अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। हमें इस गौमूत्र के साथ कोई टेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपसे आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूँ, आप प्लीज घर पर ही रहिए। कायर मत बनो, जोखिम उठाए बगैर प्रयोग पूरे नहीं होते। कभी कभी हमें खुद सब कुछ करना पड़ता है। मुझे देसी गौमूत्र की शीशी दो। मगर किस लिए? खून में गौमूत्र दाखिल होते इसका असर शुरू हो जाता है। लाओ इधर तो। अफसोस के 40,000 साल गुजरने के बाद भी हम मनुष्य गौमूत्र की सही क्षमता को नहीं पहचान पाए। इसमें स्वामी जी
स्वामी जी, स्वामी जी, तेरी बेकार है ये गौमूत। देखते हैं प्या में कितनी सांसें रुकी हैं अब तक। ये रेड डॉट्स दिखा रहे हैं 40% से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। दुनिया के कई जीनियस साइंटिस्ट के चेहरों का रंग उड़ चुका है। लोगों को थोड़ा मरने दो और ज्यादा डरने दो। An epidemic of an unknown virus has broken out in India. Our correspondent is currently at the local office of the International Health Council. हिंदुस्तान को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। घरों से बाहर निकलने पर वी हैव टू सपोर्ट दिस लॉकडाउन फॉर 21 डेज। हमें इस वायरस को स्प्रेड होने से रोकना है। प्लीज आप लोग बात समझिए, घर से बाहर मत निकलें। हेलो, हु इज दिस? हेलो सर, मैं असलम जामा मस्जिद के पास से बोल रहा हूँ। सर, मेरे पास चाइनीज वायरस और उसके एंटीटूड के बारे में शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है सर। व्हाट? मगर पूरे देश में तो लॉकडाउन चालू है, आप मेरे ऑफिस कैसे आएंगे? नहीं सर, मैं पुलिस के डंडे खा के आ जाऊंगा सर। सर, देयर्स अ डॉक्टर सेंड हियर टू सी यू। सेंड हिम इन। राइट सर। इसमें वायरस के सैंपल है और उसका एंटीट्यूड भी। मैं वुहान शहर के एक सीक्रेट लैब में काम करता हूँ सर। मुझे पता चला है ये कंपनी एंटीट्यूड तो बाद में बनाती है, पहले वायरस बना लेती है। कौन है आप? करुणा। आप जो भी हैं, आप गलत जगह आ गई हैं। प्लीज लीव। पहले मुझे खीर तो खिलाइए आप। गौमूत्र से भगा ना सको तो खीर पूरी भी ना खिलाओ। What the hell do you think you're doing? थाली बजा करके, घंटी बजा करके वो गोबर मत फेंको। ये सब क्या हो रहा है? क्या कहा तुमने? कहा हो तुम? जब तक लोगों को इस वायरस की ताकत का अंदाजा हुआ, वो वायरस ग्रह के करोड़ों लोगों में फैल गया था। इंडिया, इटली, हर देश में वो था, हर जगह वो था। और उस वायरस ने सारी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। वो वायरस का कोई एंटीडोट नहीं था, उसे खत्म करना लगभग नामुमकिन था। मैंने तो बस उस वायरस से इतना सीखा है, लॉकडाउन में कभी बाहर मत आना। वरना मैं मानने वाला हूं, ये जंग तो अब शुरू हुई है। बुआ, मुझे फकर है तुझ पे। मुझे पूरा पूरा यकीन था कि जिबुआ नॉकआउट किया जा सकता है।
लेकिन मारा नहीं जा सकता।